2 अक्टूबर 1994 को हुए यूपी के रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर बने शहीद स्थल पहुंचे, जहां पर सीएम ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सुनिए। उन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये दिन वास्तव में जैसा अभी कपिल देव जी कह रहे थे कि ये दिन वास्तव में हमारे लिए बड़ा दुख का दिन होता है। आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष हुआ, और मैं भी बहुत छोटा था उस समय। मैंने देखा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ और बहुत ही बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और 7 लोग वहां पर शहीद हुए। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी का गोलीकांड हुआ और मसूरी के गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा का गोलीकांड हुआ। भाइयों बहनों, पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए इस आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार से अत्याचार का सामना करना पड़ा, अत्याचारों को सहना पड़ा। और जो 2 अक्टूबर 1994 का दिन है, ये दिन बहुत ही एक गोलीकांड का काला अध्याय, सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला एक अध्याय है, और उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे और जिस प्रकार से यहां पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब हम याद करते हैं तो वास्तव में याद आता है कि उनके लिए कितना कठिन समय था। बस रोकी गई, बस रोकने के बाद किस प्रकार से हर तरीके से एक निम्नतम स्तर पर जाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हुआ। मैं 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सतीन चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी एवं राजेश नेगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को त्याग दिया और तब जाके हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग सदैव इनके ऋणी रहेंगे, इनसे इनके ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलन को उस समय चलाने में जिन माताओं बहनों ने भी अपना योगदान दिया, उस मातृशक्ति की बदौलत वो आंदोलन अपने निर्णायक संघर्ष तक पहुंचा, उन सभी माताओं बहनों का भी आज के दिन विशेष रूप से मैं स्मरण करना चाहूंगा, जो उस समय के सरकारों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, वो उन अत्याचारों के आगे झुकने का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकार किया, रुकना स्वीकार नहीं किया, आंदोलन को गति देना स्वीकार किया। भाइयों बहनों, जिस उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व दिया, हमें अब उस उत्तराखंड राज्य को
देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। अभी आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार में लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर कही हैं। निश्चित रूप से आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों, उनके बलिदानियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर दिशा